तो बाओ लोग, आज बात करेंगे पेंगुइन वेब शो के बारे में, जिसने अपने एक डिफरेंट मिंट से सभी का दिल लूट रखा है, जिसमें आज पहले 3 एपिसोड के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये कहानी शुरू हुई है कहीं बीच से, तो पहले ब्रीफली इसका ओरिजिन समझ लेते हैं ताकि आप इजीली इस शो से कनेक्ट हो पाएं। वैसे तो स्टोरी फॉलो करती है डीसी की कॉमिक बैटमैन सीरीज को, जहां पेंगुइन नाम का एक विलेन है एक अलग अंदाज में गॉथम सिटी में उपजा था, जिसका क्राइम की दुनिया में तरीका ही निराला था और खौफ अलग था। तो बाबा, आपने 2022 में द बैटमैन मूवी देखी होगी, वहां हमें एक कैरेक्टर मिलता है ऑसवाल्ड चेस्टरफील्ड कोबलपॉट उर्फ ऑज उर्फ पेंगुइन, बहुत लंबा नाम बढ़ गया, आप फिलहाल के लिए पेंगुइन ही याद रखें, जो गॉथम सिटी का क्राइम किंग कारमाइन फैल्कॉन का राइट हैंड था, यानी सारे गैंगस्टर एंड क्राइम अफेयर यही संभालता है। लेकिन कारमाइन की हो जाती है मौत, असासिनेट कर दिया जाता है उसे, और उसके जस्ट एक हफ्ते बाद ये पेंगुइन शो रन करता है एक गैंगस्टर क्राइम थ्रिलर ड्रामा के रूप में, जहां ऑसवाल्ड उर्फ ऑज यानी पेंगुइन जो अभी तक असिस्ट करता था, वो गॉथम सिटी का किंग पिंग कैसे बनेगा। इट मीन्स ये कि पेंगुइन की ओरिजिन की कहानी और गॉथम में कैसे अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करेगा ये बंदा। एंड दिस गैंगस्टर क्राइम ड्रामा विल डेफिनेटली ब्लो योर माइंड स्वीटी, क्योंकि बहुत टाइट स्क्रीन प्ले है। गॉथम में क्राइम इतना बढ़ चुका है कि इंसानी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, जहां तहां ड्रग्स है, क्राइम्स है, नए नए गैंग्स आ रहे हैं, गैंग वॉर देखने को मिलेगी। और पेंगुइन का कैरेक्टर दिखाता है कि इस क्राइम की दुनिया में अपना दबदबा कैसे बनाया जाए। फर्स्ट एपिसोड थोड़ा स्लो लग सकता है आपको, बट यहां पूरी सीरीज का बिल्डअप करा गया है। थोड़ा समय लेगा ये शो आपका स्टार्टिंग में, उसके बाद ये पूरा तुम्हारा हो जाएगा। और यहाँ फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है जो ऑज की एक स्टूपिडिटी इस सारे झमेलों में उसे ढकेल देगी। अग्रेसिवली कारमाइन के बेटे अल्बर्टो फैल्कॉन को ये बंदा मार देता है और उसे लगा कि अब शायद सारी प्रॉब्लम खत्म, लेकिन यहीं से तो बाबा सारी स्टार्ट हो जाती है। क्या प्रॉब्लम? क्योंकि अल्बर्टो की बहन सोफिया जो गॉथम वापस आ चुकी है, इसलिए क्योंकि अल्बर्टो आफ्टर दिस फादर्स असासिनेशन वो क्रिंज हो चुका है, एंड उसे कहीं ना कहीं ऑज पर भी शक रहता है, जो वो अपनी बहन से डिस्कस भी करता है। एंड अचानक अल्बर्टो की डेथ एंड ऑज का इतना ठाट बाट से रहना, क्राइम की दुनिया में उसका नया स्टार्ट करना, सोफिया को क्लियर शॉट देता है कि हो ना हो इन सब के पीछे अपना ऑज ही है, यानी पेंगुइन। और फर्स्ट एपिसोड में यहाँ सोफिया और ऑज के बीच में पंगा शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ ऑज की फैल्कॉन एम्पायर से फटती भी है, क्योंकि कारमाइन मरा है लेकिन पावर अभी तक फैल्कॉन फैमिली के पास ही है, जो एक्चुअली पेंगुइन से हेट भी करते हैं। और इस बीच वो अपने सर्वाइवल के लिए वो रास्ते निकालता है जहां दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने वाले रास्ते को भी फॉलो करना पड़ता है, यानी सेल्वाटो और मैरोनी द बॉस उर्फ सेल से दोस्ती करना चाहता है और फैल्कॉन का नेस्तनबूत करना चाहता है, यानी पूरी फैमिली को, वरना फैल्कॉन इसे मार देंगे। बट सेल इस ऑफर को फिलहाल के लिए रिफ्यूज कर रहा है स्टार्टिंग में। इसी बीच इसकी मुलाकात विक्टर नाम के लौंडे से हो जाती है, जो एक्चुअली उसकी कार के टायर को चोरी कर रहा था, और वहां से इसे अपने साथ रख लेता है ये बंदा, यानी ऑज, जो काफी लॉयल और काम का बंदा साबित हो रहा है इसके लिए। खैर, ऑज और पेंगुइन एक ही है, फिलहाल मैं अभी ऑज कहकर ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना। एंड ऑफ द एपिसोड सोफिया ऑज को पकड़ने में सफल होती है और उसे टॉर्चर भी करती है, लेकिन इतने में विक्टर ने अल्बर्टो की लाश फैल्कॉन हाउस के बाहर ट्रिकी वे में पटक दी, जो सारा ब्लेम ऑज पर जा रहा था हट चुका है, जिसे यह काम ऑज ने ही दिया था, यानी विक्टर को यह काम ऑज ने ही दिया था, क्योंकि इन्हीं दोनों ने मिलकर अल्बर्टो की लाश छुपाई थी और इसी दौरान ऑज को विक्टर मिला था। और इस इवेंट के बाद ऑज और विक्टर की जोड़ी सॉलिड हो जाती है, जहां ऑज को एक लॉयल सर्वेंट मिल चुका था और अब वो दुश्मनों से डिफेंसिव मोड में नहीं ऑफेंसिव मोड में खेलना चाहता है। और यहां फर्स्ट एपिसोड खत्म। देन बाबा, नेक्स्ट यानी सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां आर्कहम डिटेंशन जेल में जो समय बिताकर आई थी अपनी सोफिया यानी जानेमन, उसका नाइटमेयर उसके भाई अल्फ्रॉड की मौत से कनेक्ट करके उसे सफर करवाता है, जहां उसने साइकोलॉजिस्ट को ज्वाइन भी कर रखा है। दूसरी तरफ ऑज उर्फ पेंगुइन फैल्कॉन फैमिली को अंदर से लगातार खोखला कर रहा है और सेल के साथ मिलकर फैल्कॉन का बहुत बड़ा शिपमेंट को फेल भी करता है। और जब यह शक पेंगुइन पर जाने लगता है, तो खुद को डिफेंसिवली प्रिपेयर करके वो सोफिया को फैल्कॉन फैमिली के लिए भड़काने लगता है, क्योंकि फैमिली अफेयर अब सोफिया के अंकल ल्यू का फैल्कॉन संभाल रहा है। बट पेंगुइन जो भी माइंड गेम खेल रहा है अपने सर्वाइवल के लिए, ये चीज़ इस करेक्टर को उतना ही इंटरेस्टिंग बनाते जा रही है। एक विलेन को हेरोइक एंगल में दिखाना मेकर की फाइन चॉइस है। लेकिन इसी बीच सोफिया एक डिटेक्टिव हायर करती है, ताकि फैमिली के इनसाइड विलेन को खोज सके, जो अंदर की खबर बाहर पहुंचा रहा है। और यस, उसका डिटेक्टिव क्ल्यू ढूंढने में सफल रहता है, जो अल्बर्टो को पकड़ के सोफिया को हैंडओवर कर देता है। बट सेम डे अल्बर्टो का फ्यूनरल भी चल रहा है और अल्बर्टो को बेसमेंट में रखा जाता है, लेकिन अपने लोन वुल्फ पेंगुइन उसे ढूंढ लेता है और मार भी देता है, जो अगेन पकड़ते पकड़ते बचा है, जिसका ब्लेम वो सोफिया के मेन बॉडीगार्ड यानी कास्टिलो पर डलवा देता है।
यहाँ से कहानी होने वाली है चेंज, क्योंकि बाबा अब ल्यूका जॉनी इस फैमिली बिजनेस अफेयर में सोफिया को बिल्कुल भी अलग थलग कर रहे हैं, यानी उसे इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। जो पेंगुइन पहले ही सोफिया के कान में बात डाल चुका था, भड़का चुका था कि ये तुम्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं, और सोफिया का अंकल ल्यूका फैलकॉन सोफिया को गौथम छोड़ के इटली जाने को कहता है कि यहाँ थ्रेट है, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। तब जाके सोफिया को हिट हुआ कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, एंड ना चाहते हुए भी सोफिया को पेंगुइन से हाथ मिलाना पड़ा, क्योंकि उसे अपनी गद्दी चाहिए थी जो उससे कहीं ना कहीं छीनी जा रही थी। एंड यहाँ से पेंगुइन की कहानी होने वाली है चेंज, जिसे फैलकॉन्स को जड़ से उखाड़ना था अपने सर्वाइवल के लिए, और इसके मंसूबे की पहली सीढ़ी इसके कदमों के नीचे अपने आप आ चुकी है। देन थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है, और यह एपिसोड माइंड ब्लोइंग है, जहां आप सोफिया एंड पेंगुइन एक साथ आ चुके हैं। एंड इस एपिसोड में विक्टर का कैरेक्टर आपका दिल लूट लेगा, क्योंकि मेकर ने इस कैरेक्टर को फ्री हैंड दिया है जो आपको अपना बना लेगा। शुरुआत होती है विक्टर की पास्ट लाइफ से, उसकी फैमिली को दिखाया जाता है और कैसे गौथम में बॉम्ब ब्लास्टिंग के दौरान पूरे शहर में पानी भरने से उसकी पूरी फैमिली मर चुकी थी। देन सोफिया पेंगुइन को अपने साइड बिजनेस को दिखाती है, जहां एक बिग शिपमेंट की भी तैयारी चल रही है। इसी के साथ साथ सोफिया एक ऐसे फाड़ू ड्रग को बना रही है जिसे अब डिस्ट्रीब्यूट करना है। तब ये लोग जाते हैं फेंगजाओ के पास और इससे डील कंप्लीट करते हैं, जहां उन्हें जॉनी वीटी की भी हेल्प लगेगी, क्योंकि फेंगजाओ की डिमांड है कि फैलकॉन फैमिली की तरफ से कोई बिग बॉस इस डील को कंफर्म करे, एंड बदले में सपोर्ट भी चाहिए उन्हें फैलकॉन्स की तरफ से। खैर जॉनी वीटी का अफेयर चलता है ल्यूका की बीवी से, और इसी के तहत पेंगुइन और सोफिया जॉनी वीटी को करते हैं ब्लैकमेल उनकी डील को राइट करवाने के लिए, यानी हामी भरवाने के लिए, जहां पेंगुइन और जॉनी की झड़प भी हुई क्योंकि ये दोनों पहले ही एक दूसरे से नफरत करते हैं। देन फेंगजाओ से इनकी डील हो जाती है डन। बट यहां विक्टर के पार्ट में कहानी नया मोड ले रही है, क्योंकि इस बीच वो अपनी गर्लफ्रेंड ग्रासिया से भी मिलता है, जो उसे कन्विंस करती है उसके साथ गौथम सिटी को छोड़ने के लिए, और यही सब उसके दिमाग में चलते रहता है, जिसका पता पेंगुइन को लग जाता है, और दोनों के बीच एक सॉलिड झड़प होती है जहां पेंगुइन उसे जाने की इजाजत भी देता है, लेकिन यहां और उसे एक्सप्लेन करता है, यानी अपना पेंगुइन उसे एक्सप्लेन करता है कि दिस इज ऑल सर्वाइवल, और गौथम जैसे सिटी में सर्वाइव करने के लिए ये सब करना पड़ता है, जो विक्टर को समझ आ चुका था, क्योंकि एक पुअर बैकग्राउंड से आना और अचानक ये सारे ठाट मिलना जो एक्चुअली उसे चाहिए था, और जब लाइफ ने नया मौका दिया है तो क्यों ना इसे एक्सेप्ट करा जाए। अपनी गर्लफ्रेंड को अलविदा कहता है और वापस पेंगुइन को ज्वाइन करता है, यानी उसके पास आ जाता है। लेकिन एंड ऑफ दिस एपिसोड, यहाँ पेंगुइन और सोफिया की लाइफ में एक न्यू थ्रेट आ चुका है, क्योंकि नाडिया मेलकोनी को लग रहा है कि पेंगुइन उन्हें धोखा दे रहा है, जो सोफिया और पेंगुइन को घोड़ी बनाने पर उतर आई है। बट यहाँ विक्टर अपनी लॉयल्टी शो करता है पेंगुइन के लिए और पेंगुइन को बचा लेता है, लेकिन सोफिया को छोड़ दिया उस मेलकोनी के हाथ। अब अपनी सोफिया को वो मारेगी या बचाएगी, वो बाबा नेक्स्ट एपिसोड में पता चलने वाला है, जो ये भी हिंट दे रहा है कि एपिसोड 4 इनके लिए सेफ तो नहीं होने वाला। और अब तो विक्टर भी प्रॉपर इन्वॉल्व हो चुका है, तो अगले एपिसोड में देखते हैं पेंगुइन और विक्टर को कैसे घोड़ी बनाता है अपना 4th एपिसोड। बाकी वावा, आपने भी ये 3 एपिसोड देख लिए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बाकी गैंगस्टर क्राइम ड्रामा ऐसा ही कुछ ढूंढ रहे हो जहां स्टोरी ओरिएंटेड कोई शो आपको चाहिए, तो बाबा पेंगुइन आपके लिए बेस्ट चॉइस है। क्यों यहां लगाते हैं विराम, आपको अगर यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड यहां पर बाबा इस चैनल पर हम गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स से रिलेटेड भी बातें करते हैं, लॉर्ड ऑफ द रिंग यूनिवर्स से भी बातें कर रहे हैं, फ्रॉम वेब शो चल रहा है इस टाइम पर जो अलग ही आग फाड़ रहा है, तो उस पर भी बात चल रही है। चैनल विजिट करो और भी बहुत कुछ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।